हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो मैंने आपको आज के पहले एक क्लास दी थी इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम आपको ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करवाएंगे। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। स्कूल में कक्षा में जिस प्रकार पढ़ाई करते हो, वैसे आपको क्या करना है, जो भी मेरे द्वारा समझाया जाता है उसको ध्यान रख के समझना, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको होमवर्क के रूप में करना। और कुछ मिलाकर के अगर बात कहूँ तो जब तक हमारी स्कूल ओपन नहीं हो जाते तब तक आपको ऐसे हमेशा क्लास मिलेगी, और क्लास मिलेगी तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर आप जो पहले वाला याद है ना वो भी भूल जाओगे सारे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे तो अब तक काफी भूल गए होंगे, क्योंकि वो घर पे पढ़ाई करने का तो वो उनका मन ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो सारे दिन मस्ती करते रहते हैं। इस कारण से वो आपको याद हुआ हुआ भी आप भूल गए होंगे। तो मैं आपको वापस रिवाइज करवाने के लिए आ गया हूँ। जब तक हमारी स्कूलें नहीं खुल जाती तब तक हम ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे। तो आपको पता है मैं आपको ईवीएस पढ़वाऊंगा। ईवीएस का मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाऊंगा। पर्यावरण का अध्ययन का मीन्स बोलूं तो हम कहते हैं कि हमारे चारों ओर का वह वातावरण, जैसे पेड़ पौधे हो गए उसमें, या जीव जंतु हो गए, या कोई दूसरी चीजें भी हो गई, जैसे पानी हो गया है ना, उसके अलावा हमारे चारों कोई भी वस्तु है, उस सबको मिला करके क्या बोला जाता है, उनको पर्यावरणीय अध्ययन कहा जाता है। उनको पर्यावरणीय अध्ययन कहा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, आपको पीछे लिखा हुआ दिखाई देता होगा, जो कि है लिविंग थिंग्स। लिविंग का मीन्स सजीव, और थिंग्स का मीन्स वस्तुएं होता है, यानी सजीव वस्तुएं। तो अब कौन सी होती है सजीव वस्तुएं? तो बेटा देखो, जिस वस्तुओं का जीवन होता है, जीवन का मतलब क्या, जीवन का मतलब ये होता है कि वो खाना खाते हैं, वो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर कहूँ तो वो क्या कर पाते हैं, वो जैसे जैसे समय निकलता है वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, वो श्वास लेते हैं, वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ये कुल मिला करके ऐसी कुछ विशेषताएं होती है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो हमारे को यही पढ़ना है, लिविंग थिंग्स। उसके बाद में हम आगे भी ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो देखो, आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि LIVING, लिविंग, और लिविंग का मीन्स होता है सजीव। फिर लिखा हुआ THINGS, थिंग्स, और थिंग्स का मीन्स वस्तुएं होता है। तो लिविंग थिंग्स का मीन्स वस्तुएं, जीवित वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? जीवित वस्तुएं। कौन सी होती जीवित वस्तुएं बताओ एक बार फिर? तो यानी जो खाना खाते हैं, जो चल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो पानी पी सकते हैं, जो श्वास ले सकते हैं, जो समय के साथ साथ में बड़े होते जाते हैं, और जो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं कहलाती है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के ऊपर जो परिचय के रूप में दो लाइंस दे रखी है, उन दो लाइंस को ब्लैक बोर्ड पर नोट किया है मैंने। और ये जो भी मैंने नोट किया है वो मैं आपको डिटेल से क्या करवाऊंगा, समझा दूंगा। तो जो भी लिखा हुआ है वो आपको अच्छे ढंग से दिखाई देता होगा। तो देखिए इधर, ओ यू आर अवर ENVIRONMENT, एनवायरमेंट पर्यावरण, इज यानी है, मेड यानी बना होता है, बाई यानी से या द्वारा, लिविंग और सजीव,
एंड का मीन्स और, नॉन का मीन्स नहीं, लिविंग का मीन्स वही सजीव, और थिंग्स का मीन्स वस्तुएं, नॉन लिविंग का साथ में होता है निर्जीव। तो देखो इधर हमारा पर्यावरण सजीव व निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है। मैंने पहले ही बताया आपको हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें होती है जो सजीव भी होती है जो निर्जीव भी होती है। सजीव कौन कौन सी होती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हम स्वयं हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, उसके अलावा सारे जानवर हो गए, जैसे काऊ हो गया, बफेलो, गॉट, सीप, डॉग, कैट, ये सारे होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं। अब मैं बात करूं तो कि नेक्स्ट रो की बात करता हूं। नेक्स्ट रो में बोथ ऑफ दीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। हाँ, बोथ का मीन्स दोनों, दीज का मीन्स ये, डिपेंड का मीन्स निर्भर, ऑन का मीन्स पर, ईच अदर एक दूसरे पर, फॉर यानी के लिए, एंड देयर यानी उनके, सर्वाइवल यानी जीवन के लिए। तो ये दोनों कौन, दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों उनके जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी जो सजीव वस्तुएं होती है वो भी, और जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो भी, ये दोनों अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब निर्भर कैसे रहते हैं, तो देखो बेटा कि क्या होता है, हमारे घर पर साइकिल है, हमारे घर पर बाइक है, हमारे घर पे कार है, तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स ही है। और नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमारे को अगर कहीं जाना होता है तो उसका यूज करते हैं हम, इस कारण से वो भी जरूरी है। फिर याद करो पानी होता है, अब पानी का कोई जीवन थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी पानी चलता है, पानी खाना खाता है, नहीं, पानी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हमारे को जीवित रहने के लिए हमारे को पानी पीना पड़ता है, इस कारण से ये दोनों जरूरी है जीवन के लिए। आपको पता ही, अगर पानी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और इस कारण से ये ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया जो है समझ में आया होगा, और होमवर्क के रूप में अगर आपको जो काम करना है घर पर बैठ करके, वो काम यही करना है कि ये लिख रहा हूँ HW, आपको चैप्टर फर्स्ट लगाना है, फिर लिविंग थिंग्स लिखना है, फिर ये सजीव वस्तुएं लिखना है, फिर आपकी जो भी आपकी नोटबुक है 4 लाइन वाली, 4 लाइन वाली जो नोटबुक है, उस 4 लाइन वाली नोटबुक में आपको ये जो चारों लाइन है, इन चारों लाइन्स को क्या करना है, अपने नोटबुक के अंदर उनको उतारना है। तो ठीक है, मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा आपसे रखता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे का मीन्स आज हुआ, फिर कल हुआ, फिर नेक्स्ट डे हुआ, ऐसे ऐसे हम पढ़ाई करते जाएंगे, और आपको पढ़ना है। तो पहले मैं आपको इसीलिए इन दोनों लाइंस का हिंदी मीन्स लेकर के आया, हिंदी ट्रांसलेट इसीलिए लेकर के आया, क्योंकि अब आपको पता चला होगा कि हमारे को इस पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, पता चल गया होगा। मैंने आपको जो बताया है कि लिविंग थिंग्स बताया, नॉन लिविंग थिंग्स बताया, इस कारण से अब आपको अवश्य ही पता चल गया होगा कि हमारे को इस अध्याय में क्या पढ़ना है। तो आज आपको स्पेलिंग्स नहीं लिखना है, ये जो बताया हुआ काम करना है। ये काम कैसे करना है, आपको अपना जो फोन है उस फोन को ऐसे रखना, पहली बात तो ऐसे रखोगे ना तो आपको बड़ा दिखाई देगा, ऐसे रखोगे तो छोटा दिखाई देगा, वो आपको अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देगा। तो फोन को ऐसे कर देना, फिर उसको आपको पढ़ने बैठना है, फिर बीच में या तो काम साथ साथ में कर लेना, अगर कहीं
मैं बीच बीच में आ जाता हूँ, तो जब मैं एक तरफ जाता हूँ उस समय आप उस वीडियो को रोक दें और उसके बाद में आपको अपने काम को नोट करना है। ठीक है, इस प्रकार तो आपको जो मैंने होमवर्क बताया है वो आपको होमवर्क करना है। कल वापस आपको पढ़ाने के लिए आएंगे हम। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।